आंखों पर लगा ये गैजेट टाइम मशीन में बैठने का मजा दिला सकता है वर्चुअल रियलिटी वाले वीआर ग्लासेस से, जैसे बर्लिन का ब्रैंडनबुर्ग गेट जो आमतौर पर लोगों से भरा रहता है। वीआर गॉगल्स लगाते ही ऐसा लगने लगे जैसे आप 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के समय में हो। बर्बाद हो चुके बर्लिन की वो झलक कितनी सच्ची लगी। वीआर टेक्नोलॉजी आपको एक दूसरे वक्त एक दूसरी जगह पर ले जा सकती है। ध्यान करने, संगीत बजाने या स्नॉर्कलिंग का फील ले सकते हैं वैसे ही नजारों और आवाजों के साथ। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी का वैश्विक बाजार 2021 में ही 28 अरब डॉलर का हो गया है। अगले 6 सालों में इसके 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल तो वीआर मार्केट में गेमिंग इंडस्ट्री का दबदबा है, लेकिन तकनीक धीरे धीरे एजुकेशन फील्ड में फायदेमंद साबित हो रही है। स्कूलों, संग्रहालयों, स्मारकों के मामले में वीआर एक जोरदार टूल साबित हो सकता है। बर्लिन की दीवार अब कैसी दिखती है इसका तो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, फिर वो वीआर में इसे देखते हैं, तब वो दिमाग के कई हिस्सों को उत्तेजित करता है, कई भावनाएं जगाता है। किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में कुछ सीखने के लिए ये बेशकीमती लर्निंग टूल है। जहां भी ध्यान लगाने और देखकर सीखने की जरूरत हो वहां ये काम आता है। स्कूल में भले ही इतिहास आपका पसंदीदा विषय ना रहा हो, या तो बोरिंग स्टाइल में होने के कारण या दमदार फोटो की कमी के कारण, लेकिन इतिहास जानना तो बेहद जरूरी है। वीआर इतिहास सिखाने में स्टूडेंट्स के काफी काम आ सकता है। किसी आम किताब के मुकाबले 360 डिग्री का वीआर एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा यादगार होगा, नहीं? स्टडीज दिखाती हैं कि जो स्टूडेंट वीआर और एआर से सीख रहे हैं उनकी दिलचस्पी का स्तर कहीं ज्यादा है और वो इतिहास के बारे में ज्यादा सीख भी पा रहे हैं। एक होता है संस्मरण का सिद्धांत, ये वीआर पर भी काम करता है। असल में हमारे दिमाग में एक तरह की प्लास्टिसिटी होती है, उसके कारण जब भी आप कोई खास घटना या जगह याद करते हैं तो उसके साथ ही आपको उससे जुड़ी कई सारी बातें याद आने लगती हैं। वीआर इसमें असरदार है क्योंकि इसमें आप खो जाते हैं। इसे गेम की तरह भी बनाया जा सकता है जिससे ये और मजेदार हो जाता है। मनोरंजक होना ही तो सब कुछ नहीं होता। इतिहास के बारे में सीखना है तो चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए। आर्किटेक्चर से लेकर फैशन या कारों तक सही रिसर्च जरूरी है। कोई छोटी सी गलती भी पूरा मजा किरकिरा कर सकती है। इसलिए इतिहास बताने के लिए किताबें, फोटो और भी कई ऐतिहासिक साक्ष्य तो इस पे भी लगेंगे। अच्छे टीचरों की भी जरूरत रहेगी जो इस अनुभव के आगे पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट दे सके। हम सही ओरिएंटेशन दे सकते हैं और सवालों के जवाब भी। केवल वीआर ग्लासेस लगाकर देख लेने भर से ये नहीं मिलता। कोई दृश्य देखने के कारण देखने वाले के मन में जो भावनाएं उठी हों उनका भी सही तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। ये जरूरी है कि कोई असली इंसान आपको गाइड करे। क्या आप इस अंदाज में इतिहास पढ़ना चाहेंगे? वीआर गॉगल्स लगाकर किस ऐतिहासिक घटना का अनुभव करना चाहेंगे? कॉमेंट कीजिए।